टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को डिस्कस कर लिया था। आज हम मेथड देखेंगे कि टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस को रिमूव किस तरह कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको टेम्परेरी हार्डनेस में बताया था कि टेम्परेरी हार्डनेस को हम बॉइलिंग से रिमूव कर सकते हैं, एक मेथड के बताया था। सबसे पहले हम बाय बॉइलिंग्स को डिस्कस करते हैं जो कि रिमूव करते हैं टेम्परेरी हार्डनेस को, ठीक है। तो बाय बॉइलिंग के प्रोसेस में हमारे पास क्या होगा, ठीक है, कि हार्डनेस ऑफ वाटर सिंपली हम रिमूव करेंगे बॉइलिंग्स से, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे पास मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारे पास हार्डनेस कास्ट करते हैं। तो बॉइलिंग में क्या होगा कि जो हमारे पास सोल्यूबल कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट होंगे वो डिकम्पोज कर जाएंगे और उनकी डिकम्पोजिशन होगी। जब उनकी डिकम्पोजिशन होगी तो वो हमारे पास इनसोल्यूबल कार्बोनेट्स फॉर्म करेंगे। तो हम सिंपली ये बात है हमारे पास कि हमारे पास जब हम बॉइलिंग करेंगे ड्यूरिंग बॉइलिंग, ठीक है, तो हमारे पास बॉइलिंग में क्या होगा ड्यूरिंग बॉइलिंग, तो हमारे पास जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स थे, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स थे, वो क्या करेंगे, वो डिकम्पोज करेंगे, उनकी डिकम्पोजिशन होगी, ठीक है। और वो डिकम्पोज करके हमारे पास क्या चीज़ बनाएंगे, वो बनाएंगे इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स फॉर्म कर देंगे, ठीक है। अब जब हमारे पास ये इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स फॉर्म हो गए हैं तो हमारे पास जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हैं वो रिमूव हो जाएंगे इन इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स आयंस के थ्रू, ठीक है। और हमारे पास जो है सिंपली हमारा वाटर जो है वो हार्डनेस रिमूव होके हमारा वाटर सॉफ्ट बन जाएगा। अगर अब हम इसकी इक्वेशन लिखें, ठीक है, अगर हम देखें कि किस तरह हम इसकी इक्वेशन लिखें, तो मैग्नीशियम को अगर हम देखें, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट को हम दे रहे हैं जो कि एक्वस फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब हमारे पास इसकी डिकम्पोजिशन होगी तो हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे पास जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये एक कार्बोनेट बना है, ठीक है, जो कि इनसॉल्युबल कार्बोनेट है, ठीक है। और ये जो हमारे पास कार्बोनेट था मैग्नीशियम का, ये सॉल्युबल कार्बोनेट था, ठीक है, क्योंकि अब इसमें से वाटर हमने रिमूव कर दिया। अब ये जो कार्बोनेट है वो इनसॉल्युबल कार्बोनेट बन गया। तो यही हमने बात की थी कि हमने जो सॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स थे उनको डिकम्पोज किया और इनसॉल्युबल कार्बोनेट हमने फॉर्म कर लिया, ठीक है। इसी तरह अगर हम कैल्शियम का देखेंगे तो कैल्शियम की भी सेम यही इक्वेशन हमारे पास बनेगी कि कैल्शियम के जो कार्बोनेट थे सॉल्युबल, ठीक है, तो वो कैल्शियम के इनसॉल्युबल कार्बोनेट बने और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे पास जो है वो रिमूव हो गई, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये वाला जो मेथड है बॉइलिंग के थ्रू, ये काफ़ी एक्सपेंसिव मेथड है, ठीक है, हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, ठीक है, लार्ज स्केल पे। तो इसलिए कुछ लार्ज स्केल पे जब हमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा हमें जो है वो हार्डनेस को रिमूव करना होता है तो उस पर हम फिर जो है वो एक दूसरा मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं, जो दूसरा हमारे पास सेकेंड मेथड है उसको हम कहते हैं क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लार्क मेथड। और क्लार्क मेथड को हम दूसरा नेम ये भी देते हैं कि बाय एडिंग स्लेक लाइन, ठीक है, बाय एडिंग स्लेक्ड लाइन, ठीक है, हम इसमें स्लेक लाइन जो है वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर जो लार्ज स्केल में हम रिमूव करते हैं वो हम ये कह रहे हैं कि वो हम लोग स्लेक लाइन की कुछ एस्टिमेटेड अमाउंट उसमें ऐड करते हैं, ठीक है, एक मतलब एस्टिमेटेड अमाउंट हमने रखी होती है उस अमाउंट को इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, हमारे पास हार्डनेस रिमूव होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास स्लेक लाइन होता है, जिस तरह हमने यहाँ पे ये वाली चीज़ देखी, तो इस तरह हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास स्लेक लाइन होगा, ठीक है, उसको हम हाइड्रोजन के कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, जो हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं उनको हम स्लेक लाइन के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, और वो दोबारा से जो है वो इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स हमें दे देंगे, ठीक है। तो जब इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स हमारे पास आ गए तो वो सॉल्युबल नहीं रहेंगे और हमारे पास जो है वाटर सॉल्ट बन जाएगा, हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। इसी तरह अगर हम इसकी इक्वेशन देखें, इसकी इक्वेशन में भी हम देखेंगे कैल्शियम का कार्बोनेट है सॉल्युबल कार्बोनेट, ठीक है, और उसको हम जो है हमने किसमें ऐड करना है, स्लेक लाइन को ऐड करना है इसमें। तो स्लेक लाइन होती है हमारे पास CaOH ट्वाइस। जब हमने इसमें स्लेक लाइन ऐड की, इनका रिएक्शन हुआ तो हमारे पास एज अ रिजल्ट कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुए जो कि हमारे पास इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स थे और वाटर जो है उसमें से रिमूव हो गया। और इसी तरह अगर आपने मैग्नीशियम का देखना है तो आपने कैल्शियम की जगह जो है वो यहाँ पे मैग्नीशियम को लगा देना है, बाकी रिएक्शन जो है वो हमारे पास सेम ही रहेगा। तो ये दो मेथड थे हमारे पास टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। इसी तरह हमारे पास परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव करने के टू मेथड्स हैं, लेकिन वो बॉइलिंग नहीं है, क्योंकि हमने पहले बात की थी कि परमानेंट हार्डनेस जो है वो बॉइलिंग से रिमूव नहीं की जा सकती है। और हमने जो टेम्परेरी हार्डनेस में बात की कि बॉइलिंग का मेथड हमारे पास अवेलेबल है बट लार्ज स्केल में टू एक्सपेंसिव मेथड है, इसलिए हम ज़्यादा जो एफिशिएंट मेथड और जो हम ज़्यादा मेथड चूज़ करते हैं जो एक्सपेंसिव नहीं है वो है हमारे पास क्लार्क मेथड, जिसमें हम जो है वो स्लेक लाइन जो है वो इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स में ऐड करते हैं
और एज अ रिजल्ट हमारे पास इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स फॉर्म होते हैं और बॉटल रिमूव हो जाता है और हमारे पास हार्डनेस भी साथ साथ जो है वो रिमूव हो जाती है। तो आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह।